Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fourth lecture on the topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. Up till now we have covered so many parameters pertaining to clinical pharmacokinetics and especially with a reference to therapeutic drug monitoring. अब हम कुछ clinical example पर focus करते हैं जिसमें हमारे पास दो example हैं. एक तो digoxin की example है जो कि brand name से आती है Lenoxin. और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास वेंकोमाइसिन एंटीबायोटिक की. तो ये दो एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसके बाद फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं. नाउ द डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेनोक्सिन और डिजॉक्सिन टैबलेट यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया. अच्छा, अगर हम इसके पैकेज इंसर्ट की बात करें तो उसमें जो डोजिंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अंडर द डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन द सेक्शन अंडर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी provides valuable information for therapeutic considerations such as mechanism of action, pharmacodynamics and pharmacokinetics. अच्छा, ये लेनोक्सिन या डिजॉक्सिन क्या है? It is one of the cardiac glycosides, which is digitalis glycosides, indicated for the treatment of congestive heart failure and atrial fibrillation. And according to the approved label for लेनोक्सिन, ये approved label क्या है? इसके जो है रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि लेनोक्सिन वाज अप्रूव्ड टैबलेट यूएसपी एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन नंबर दिस बाय द कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इन अगस्त 2009. जो इन्होंने न्यू इसका पैकेज इंसर्ट अप्रूव करवाया था अंडर न्यू ड्रग एप्लीकेशन, वो 2009 में करवाया था. तो इसका जो है उसकी रिकमेंडेशन क्या है? Dosage of digoxin may require considerable modification because of individual sensitivity of the patient to the drug. Means, अब देखें ये बहुत important बात है कि कह रहे हैं कि इसकी जो dosage है वो require considerable modification, यानी dose जो होगी वो modify होगी based upon individual sensitivity. कि हर इंडिविजुअल अपने तौर पर अलग अलग सेंसिटाइज कर सेंसिटिव होगा इस ड्रग से. कोई लो ड्रग पे रिस्पॉन्ड, लो अमाउंट ऑफ ड्रग यानी लो डोज या लो कंसंट्रेशन पर रिस्पॉन्ड करेगा और कोई बहुत हाई ड्रग कंसंट्रेशन या हाई डोज पर रिस्पॉन्ड करेगा. इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड कंडीशंस और द यूज ऑफ कंकरेंट मेडिकेशन. और इसके अलावा डोज डिपेंड करेगी उसकी और कोई एसोसिएटेड कंडीशन है, कोई और पेशेंट को कंडीशन है लाइक इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस तो नहीं है, सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो तो आउट नहीं है. इसके अलावा और क्या कंकरेंट मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है तो उस पर जो होगी इसकी डोजेज डिपेंड करेगी. दैट इज़ वाई इन सिलेक्टिंग ए डोज ऑफ डिजॉक्सिन द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड. लिहाजा ये फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है. पहला पॉइंट क्या है? ये बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट क्या है? डोज शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द लीन और आइडियल बॉडी वेट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत एक्सट्रीम ओबीज इंडिविजुअल है, एक्सट्रीम ओबीज इंडिविजुअल अगर होगा तो अगर उसके बॉडी वेट से मिलीग्राम पर केजी से डोज कैलकुलेट करेंगे तो वो डोज बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो वो डोज जो होगी उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगी. दैट इज़ वाई इन दिस केस यू कैन नॉट कैलकुलेट द डोज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल बॉडी वेट बट वो आप करेंगे क्या इसको कि आइडियल या लीन बॉडी वेट का एक फार्मूला होता है जो आगे चल के हम अभी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसकी बेस पर एक्चुअल बॉडी वेट या आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे. यानी अगर किसी का वेट है 120 kg तो फिर वो ओबीज हो गया, फिर हम उसको आइडियल बॉडी वेट के फार्मूले से, मैन होगा तो मैन का फार्मूला है, वीमेन होगी तो वीमेन का फार्मूला है, उससे जो है वो आइडियल बॉडी वेट निकालेंगे, फिर उसके मिलीग्राम पर केजी का जो वेट होगा वो उससे मल्टीप्लाई करके कि उतने मिलीग्राम इसकी पेशेंट की डोज बन रही है, हम इस तरीके से उस पेशेंट को वो डोज रिकमेंड करेंगे. अच्छा, इसके अलावा और दूसरा फैक्टर क्या है? द पेशेंट्स रीनल फंक्शन प्रेफरेबली इवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस. कि पेशेंट का रीनल फंक्शन क्या है, क्योंकि जो ये जो डिजॉक्सिन है ये मेनली एलिमिनेट होती है किडनी से, तो अब किडनी से एलिमिनेट होती है तो इसलिए रीनल फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए. और अगर रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो कितना कॉम्प्रोमाइज है,
जितना कॉम्प्रोमाइज हो उस हिसाब से फिर अगर इसकी डोज रिड्यूस कर सकते हो तो फिर हम इसकी डोज रिड्यूस कर सकेंगे। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि पेशेंट का कितना जो है वो रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है? उसके लिए हमें एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, यानी एस्टिमेट करना पड़ेगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस, उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। वो फॉर्मूला जो है जिसका नाम है गॉल्ट कॉकक्रॉफ्ट इक्वेशन या कॉकक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये इक्वेशन क्या है मैं आपको जस्ट रिकॉल कराता चलूँ। ये इक्वेशन है, फॉर्मूला कहलाता है ये, कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल टू 140 माइनस एज इन ईयर्स इंटू वेट इन केजी ऑफ द पेशेंट, मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी ऑफ द पेशेंट, डिवाइडेड बाय 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, आई रिपीट द फॉर्मूला, 140 माइनस एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी ऑफ द पेशेंट डिवाइडेड बाय 72 इंटू या और 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये फॉर्मूले से क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट हो जाएगी। अगर ये मेल है तो यही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर ये कोई फीमेल है तो फिर इसमें क्या करना होगा कि यही फार्मूला होगा लेकिन आखिर में जो रिजल्ट आ रहा होगा इस फार्मूले से उसको 0.85 से यानी 85% से मीन 0.85 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मसल मास जो होता है फीमेल में वो 15% के करीब ऑन एन एवरेज मेल से कम होता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए फिर 85% से इस इक्वेशन को आखिर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तरीका कार होगा, ये कैसे करेंगे ये अभी आगे चल के इसी में हम जब हम ये केसेस कर रहे होंगे वहाँ पे डिस्कशन में भी और ये फार्मूला भी वहाँ पर रिपीट हो जाएगा। इसके अलावा और डिजॉक्शन डोज कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या तीसरा पॉइंट क्या है, पेशेंट्स एज। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन रिक्वायर डिफरेंट डोजेज ऑफ डिजॉक्सिन दैन एडल्ट्स, ऑल्सो एडवांस्ड एज मे बी इंडिकेटिव ऑफ डिमिनिश रीनल फंक्शन even in patients with normal serum creatinine concentration that is below 1.5 milligram per deciliter। ये भी बहुत important point है, इसको भी हम थोड़ा सा discuss करेंगे। पहली चीज़ तो इन्होंने ये कह दी कि जी अगर एज की बात करें तो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन जो होंगे उनमें डिजॉक्सिन की डोज जो होगी वो नॉर्मल जो दूसरे एडल्ट होंगे उसके मुकाबले में डिफरेंट होगी, तो इसलिए वो एज का भी हमें की भी कंसिड्रेशन रखनी है। इसके अलावा एडवांस एज के हवाले से इन्होंने एक बात की और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कह रहे हैं कि आम तौर पे एडवांस एज में यानी ओल्ड एज में रीनल फंक्शन जो होता है वो डिमिनिश हो जाता है, रीनल फंक्शन डिमिनिश हो जाता है, और जब हम उनका सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे तो वो बिलो 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगा, जो कि ये जाहिर करेगा अपेरेंटली कि सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल है, क्योंकि 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू आ रही है तो दैट रिप्रेजेंट्स के किडनी फंक्शन नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि दरअसल ये क्रिएटिनिन बनता कैसे है। क्रिएटिनिन बेसिकली ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ मसल मास, जो मसल मास होता है हमारी बॉडी में प्रोटीनिक मास, उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्रिएटिनिन बनता है और यह सीरम में एक सर्टेन रेंज में होता है और 1.5 से ऊपर नहीं जाता, 1.5 अपर लिमिट है तो इससे नीचे ही रहता है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि मसल मास भी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनका ब्रेकडाउन भी, मसल ब्रेकडाउन भी कम हो जाता है, तो जो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। तो जहां किडनी फंक्शन रिड्यूस हुआ है या डिमिनिश हुआ है वहां प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिनिन भी कम हुई है, तो उस सूरत में क्या होता है कि किडनी फंक्शन डिमिनिश है तो सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन वो अपनी लिमिट से कम इसलिए आ रहा है कि वो प्रोड्यूस भी कम हो रहा है ओल्ड एज में। क्यों कम प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि मसल मास भी कम है, लीन है, मसल मास कम हो गया है उसमें ओल्ड एज में, तो जिसकी वजह से जो है वो सीरम क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल भी आ रहा हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किडनी फंक्शन इज़ नॉर्मल। इस केस में अब सवाल ये एक और फिर सवाल पैदा हो जाता है कि इस केस में हम ये कैसे चेक करें कि
इस पेशेंट का किडनी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है या डिमिनिश है। तो इसके लिए दूसरे टेस्ट भी आते हैं, लाइक इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट होता है, इन्यूलिन को चेक किया जाता है इन्यूलिन क्लियरेंस को। इसके अलावा पैरा अमाइनो हेप्यूरान टेस्ट होता है, उससे भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा सीरम और यूरिन क्रिएटिनिन रेशो जो है उससे भी कुछ हद तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और एक और तरीका होता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन और फिर सीरम क्रिएटिनिन कैलकुलेशन का तरीका। तो इन डिफरेंट मेथड्स, ये अल्टरनेट मेथड्स होते हैं हमारे पास जिससे हम किडनी का फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट मेथड हैं किडनी का फंक्शन चेक करने के लिए अदर देन गॉल्ड कॉकक्रॉफ्ट इक्वेशन, क्योंकि गॉल्ड कॉकक्रॉफ्ट इक्वेशन तो नॉर्मल देगी क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल रेंज में आ रही होगी, इसलिए हम उस पर रिलाय नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा डिजॉक्सिन देते वक्त एक और जो चीज़ का ख्याल रखना है वो है कनकमिटेंट डिजीज स्टेट्स। ठीक है, कनकमिटेंट डिजीज स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को पहले से ही रीनल डिजीज है तो फिर जितने परसेंट फंक्शन रीनल कॉम्प्रोमाइज हुआ है उस हिसाब से डोज कम करनी पड़ेगी, या फिर हेपेटिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, या कोई ऐसी डिजीज है जिससे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का और डिजॉक्सिन के फंक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है। वो गहरा ताल्लुक ये है कि अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल होगा तो या रेंज में होगा और सोडियम लेवल रेंज में होगा तो डिजॉक्सिन अपनी नॉर्मल डोज पे नॉर्मल रिस्पॉन्स जो उसको देना चाहिए वो देगी। लेकिन अगर पेशेंट हाइपोकैलीमिया में जाने लगेगा किसी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है पेशेंट में किसी और डिजीज़ की वजह से, तो उसका जब नतीजा ये निकलेगा कि हाइपोकैलीमिया की वजह से पोटेशियम लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा ब्लड में, उसकी वजह से डिजॉक्सिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कंकरेंट मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि इसके साथ डिजॉक्सिन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंटासिड्स हैं। एंटासिड्स क्या करती हैं कि एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती हैं डिजॉक्सिन की। थायरॉक्सिन जो है वो कॉम्पीट करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसीलिए ये फैक्टर्स, कंकरेंट मेडिकेशंस एंड अदर फैक्टर्स लाइकली टू ऑल्टर द फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ डिजॉक्सिन, तो दीज फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। अगर हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो फिर हम सही जो है वो थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑफ डिजॉक्सिन कर सकेंगे। नाउ अब अगर हम सीरम डिजॉक्सिन कंसंट्रेशंस को चेक कर रहे हैं और हुआ क्या, इफ डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट बिटवीन द रिपोर्टेड सीरम कंसंट्रेशन एंड द ऑब्जर्व क्लिनिकल रिस्पॉन्स, कि जो आपने सीरम कंसंट्रेशन देखी और जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स पेशेंट में देख रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, कि सीरम कंसंट्रेशन सही है बट रिस्पॉन्स नहीं है या रिस्पॉन्स एक्सेसिव आ रहा है, तो फिर क्लिनिशियंस शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, एनालिटिकल प्रॉब्लम इन द एसे प्रोसीजर, ये चेक करें कि जिस प्रोसीजर से सीरम कंसंट्रेशन चेक की गई है, एसे किया गया है ड्रग का, क्या वो ठीक है, वैलिडेटेड है, सही था, उसमें कहीं एरर तो नहीं था। सेकंड, इनअप्रोप्रिएट सीरम सैम्पलिंग टाइम, पिछले लेक्चर में हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं कि सैम्पलिंग टाइम जो होगा वो सही टाइम होना चाहिए, सीरम सैंपल आपने कब कलेक्ट किया था तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने रॉन्ग टाइम पर सीरम सैम्पलिंग कर ली तो जिसकी वजह से सीरम में जो कंसंट्रेशन है वो कुछ और आ रही है और रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड अदर देन डिजॉक्सिन, क्योंकि डिजॉक्सिन आती है, डिजिटॉक्सिन आती है और इसके अलावा भी और इसके ग्लाइकोसाइड्स और डेरिवेटिव्स हैं, डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें से कौन सा आपने ग्लाइकोसाइड यूज़ किया है, डिजॉक्सिन ही यूज़ किया या कोई और डिजिटॉक्सिन यूज़ कर लिया है। इसके अलावा कंडीशंस कॉजिंग एन ऑल्ट्रेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट टू डिजॉक्सिन, कि कौन सी, क्या अगर डिजॉक्सिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा आ रही है तो क्या क्या रीज़न है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पोटेशियम लेवल कम हो गया, या अगर सेंसिटिविटी कम हो गई है, कॉजिंग ऑल्ट्रेशन इन सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी कम भी तो हो सकती है, तो कम होने की वजह कहीं ये तो नहीं है कि डिजॉक्सिन जो है वो पोटेशियम का लेवल बढ़ गया हो,
ज़्यादा एक्सेसिव हो गया हो। इसी तरह से कैल्शियम के साथ भी ताल्लुक है और मैग्नीशियम के साथ भी डिजॉक्सिन के इफेक्ट का ताल्लुक है। मैग्नीशियम जो है अगर हाइपर मैग्नीशियमिया होगा वो तो वो डिजॉक्सिन के इफेक्ट को नलीफाई करेगा यानी सेंसिटिविटी रिड्यूस करेगा, और कैल्शियम लेवल अगर बढ़ेगा तो वो डिजॉक्सिन की एक्टिविटी को और सेंसिटिविटी को, रिसेप्टर सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये इनको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा सीरम डिजॉक्सिन कंसंट्रेशन में डिक्रीज एक्यूटली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सरसाइज विदाउट एनी एसोसिएटेड चेंजेस इन क्लिनिकल एफिकेसी ड्यू टू इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये बात भी नोट की गई है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता क्या है कि ब्लड फ्लो बढ़ता है स्केलेटल मसल्स में, तो डिजॉक्सिन जाके वहाँ की प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसकी जो सीरम कंसंट्रेशन होगी वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि इससे उसकी क्लिनिकल एफिकेसी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अप्रूव लेवल फॉर लेनोक्सिन और डिजॉक्सिन इज फॉलोइंग विच इज बोल्ड फॉर एम्फेसाइज, यानी ये FDA ने ये लेवल इस पर बोल्डली मैंशन किया है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज that both the adult and pediatric dosage guidelines provided are based upon average patient response and substantial individual variation can be expected। ये वही वाली बात है जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जो पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक डेटा होता है जो क्लिनिकल स्टडी में पेशेंट होते हैं तो उनकी बेस पर ये डोज और रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इंडिविजुअल ऐसे मिल जाए जिनमें सब्सटेंशियली वेरिएशन आ जाए रिस्पॉन्स की, तो वो इसी तरह से डिजॉक्सिन में भी हो सकता है। दैट इज वाई आगे वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंगली अल्टीमेट डोजेज सिलेक्शन मस्ट बी बेस्ड अपॉन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी उसके बाद फिर जो भी जैसा भी रिस्पॉन्स आ रहा हो उसको असेस करना है आपने एज ए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक काइनेटिस्ट या एज ए क्लिनिशियन, और उसके बाद फिर उसका सही डोजेज सिलेक्शन और डोजेज रेजिमेंट आपने इस्टेब्लिश करना होगा जो उस पेशेंट के लिए एक अलग से इंडिविजुअलाइज डोजेज रेजिमेंट होगा। अगर हम बात करें एडवर्स इवेंट्स एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग की, तो एडवर्स इवेंट एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग में एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड ए साइड इफेक्ट और एडवर्स इवेंट is any undesirable experience associated with the use of medicine in a patient, and adverse experiences can range from mild to severe। अच्छा, adverse drug reactions क्या हो सकते हैं या side effects क्या हो सकते हैं या जिसको हम adverse event कह रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई भी ऐसा effect जो कि undesirable है, जो unrequired था और वो experience उस medicine को देने के बाद हो रहा है। ठीक है, अब वो एडवर्स एक्सपीरियंस उस पेशेंट में हो रहा है आफ्टर टेकिंग दैट मेडिकेशन। अच्छा, वो एडवर्स एक्सपीरियंस जो है वो माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकता है, तो वो हमें फिर देखना पड़ता है कि माइल्ड है तो कितना माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है तो कितना सीवियर है। बहरहाल एनीवे जो भी एडवर्स एक्सपीरियंस है उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है और उसको रिपोर्ट करना भी ये एक क्लिनिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे वो फार्मासिस्ट हो, ये रिपोर्ट करना बेइंतहा ज़रूरी है। ये एडवर्स एक्सपीरियंस जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं या बर्थ डिफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं, लाइक कंजेनाइटल एनोमली भी कॉज कर सकते हैं। एनीवे जो भी हो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि वो जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए, एडवर्स एक्सपीरियंस रिपोर्टिंग इज मस्ट। अच्छा, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिटरमिन वेदर द एडवर्स एक्सपीरियंस इन पेशेंट इज रिलेटेड टू द ड्रग ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज और अदर पैथोलॉजी और ड्यू टू सम अननोन सोर्स। कभी कभी ये भी होता है कि हम ये जज नहीं कर पा रहे होते कि ये ड्रग देने के बाद जो एडवर्स एक्सपीरियंस आया है इज इट बिकॉज ऑफ ड्रग या फिर डिजीज़ प्रोग्रेस हो गई है या पैथोलॉजिकल कोई फैक्टर बॉडी में डेवलप हो गया है या जिसकी वजह से हो रहा है या कोई और अननोन रीज़न है, कुछ भी हो सकता है।
So there are several approaches to determining whether the observed adverse experience is due to the drug. तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए फिर एडवर्स एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व या उसको इवेल्युएट करने के लिए. पहला पॉइंट, चेक दैट द करेक्ट ड्रग प्रोडक्ट एंड डोज वॉज ऑब्जर्व एंड गिवन टू द पेशेंट, के जो ड्रग आपने रिकमेंड की थी वो करेक्ट वही ड्रग आई है, जिस डोज में रिकमेंड की थी उसी डोज में जो है वो एडमिनिस्टर हो रही है या कोई डोज में चेंज आ गया है. तो करेक्ट ड्रग एंड करेक्ट डोज, सबसे पहले तो ये चेक करें. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, वेरीफाई दैट द ऑनसेट ऑफ द एडवर्स एक्सपीरियंस वाज आफ्टर द ड्रग वाज टेकन एंड नॉट बिफोर, कि ये जो एडवर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ये ड्रग लेने के बाद हुआ है या इसकी कुछ ना कुछ सिम्टम्स या अलामात मेडिकेशन या ड्रग लेने से पहले से मौजूद थी, इसको वेरीफाई करें. फिर उसके बाद डिटरमिन द टाइम इंटरवल बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट एंड द ऑनसेट ऑफ द इवेंट, कब आपने ड्रग जो है वो स्टार्ट की और उसके कितनी देर के बाद ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की कितनी देर के बाद ये एडवर्स एक्सपीरियंस जो था वो उसका ऑनसेट हुआ या वो वाकई हुआ, तो वो टाइम ड्यूरेशन या इंटरवल कितना है. देन फोर्थ, डिसकंटिन्यू द ड्रग एंड मॉनिटर द पेशेंट्स स्टेटस लुकिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट. अब जो ड्रग अगर जिस पर शक है आपको कि ये ड्रग यही ड्रग दी थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिजॉक्सिन के बाद हो रहा है, तो फिर आप उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दें और फिर देखें पेशेंट का स्टेटस क्या है, क्या बेहतरी आ रही है ड्रग स्टॉप करने से, ड्रग डिसकंटिन्यू करने से या नहीं आ रही है. तो इसको आप ऑब्जर्व करें चाहे उसका ड्रग से कोई कोरिलेशन हो या ना हो. फिर उसके बाद रीचैलेंज और रीस्टार्ट द ड्रग इफ़ एप्रोप्रिएट. यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीचैलेंज यानी रीस्टार्ट द ड्रग इफ एप्रोप्रिएट एंड मॉनिटर फॉर रिकरेंस ऑफ द एडवर्स एक्सपीरियंस. अच्छा, ये इन्होंने इफ एप्रोप्रिएट इसलिए कहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है कि रीचैलेंज या रीस्टार्ट आप कर सकते हैं, वो एप्रोप्रिएट कंडीशन वो होगी कि पेशेंट को जब एडवर्स एक्सपीरियंस हुआ था तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अगर उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ था जो आपने पहली डोज दी थी उसके बाद, तो अगर आपने इस ड्रग का रीचैलेंज किया या रीस्टार्ट किया तो अब उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस ड्रग को रिकग्नाइज कर चुका है, तब उससे भी ज़्यादा सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है. और जब वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उससे भी ज़्यादा सीवियर होगा जितना पहले था तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. हाँ, अगर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट था जैसे पेन हो गया या जो है वो हार्ट बीट बढ़ गई, स्लो हो गई, तो उसमें ये चांस आप बहरहाल ले सकते हैं. बहरहाल उसमें भी आपने पेशेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है कि रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा तो ऐसा नहीं हो रहा. अच्छा, फॉर सम ड्रग्स देयर मे बी एन एडवर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू इनिशियल एक्सपोजर ऑफ द ड्रग, हाउ एवर द पेशेंट मे बिकम डिसेंसिटाइज टू द एडवर्स एक्सपीरियंस आफ्टर लॉन्गर ड्रग ट्रीटमेंट और ड्रग डोज टाइट्रेशन. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रग से जो एडवर्स एक्सपीरियंस आ रहा है वो इनिशियल एक्सपोजर ऑफ ड्रग से आ रहा है, लेकिन जैसे आप ड्रग को कंटिन्यू करेंगे तो वो जो रिस्पॉन्स था वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, वो रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और ड्रग जो है वो फिर वो वाला एडवर्स एक्सपीरियंस शो करना बंद कर देगी या उसकी डोज कम करने से वो एडवर्स इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और जो है वो ड्रग मेरे जहन में आई है उसकी मैं आपको मिसाल यहाँ पे एग्जाम्पल देना ज़रूर मुनासिब समझूंगा. वो ड्रग है अल्फा वन ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, जिसमें आपकी ये टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन आती है. जब ये आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एकदम पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और हेडेक भी होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक हफ्ते में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है. यही नाइट्रोग्लिसरीन के साथ भी होता है. नाइट्रोग्लिसरीन जब आप देंगे तो शुरू में पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, लेकिन
इन ए वीक टाइम वंस यू कंटिन्यू द नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, तो फिर ये हेडेक का प्रॉब्लम वन वीक के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है। तो ये एडवर्स एक्सपीरियंस इस तरह से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इनको भी आपके जहन में, आपको इन ड्रग्स के बारे में भी ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये ट्रांजिएंट हैं। वंस यू कंटिन्यू द ड्रग देन दीज एडवर्स एक्सपीरियंस विल बी सबसाइडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, द क्लिनिशियन शुड बी फैमिलियर विद द ड्रग एंड रेलिवेंट लिटरेचर कंसर्निंग एडवर्स एक्सपीरियंसेस। वही बात यहाँ पर रिपीट हुई है जो मैंने कही है कि आपको एज ए क्लिनिशियन इन इन ड्रग के बारे में फैमिलियरिटी होनी चाहिए कि उस ड्रग में उस का लिटरेचर क्या कहता है, कि इसके जो एडवर्स एक्सपीरियंसेस हैं क्या हैं, कैसे हैं, जो हो रहे हैं वो कब तक ख़त्म हो जाएंगे, क्या ड्रग को कंटिन्यू करना चाहिए या ड्रग को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। जनरली द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग कैन ऑल्सो बी ए रिसोर्स टू कंसल्ट। आमतौर पर वो कंपनी जो ड्रग वो बना रही हो उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है, अगर किसी ड्रग से कोई एडवर्स एक्सपीरियंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो ये जो है वो हमने डिजॉक्सिन की एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीरम वेंकोमाइसिन कंसेंट्रेशन। अच्छा, वेंकोमाइसिन क्या है? ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक एंड कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन। अच्छा, इट इज नॉट, एक बात बताता चलूँ कि वेंकोमाइसिन इज नॉट फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, ये लास्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, दूसरा इसका जो रिस्क है वो है रेड मैन सिंड्रोम, यानी ये हिस्टामिन रिलीज करता है जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो रेडिश कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है रेड मैन सिंड्रोम। बहरहाल एनीवे इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज ऑफन साइटेड एज एन एडवर्स इफेक्ट स्पेशली व्हेन हाई डोज थेरेपी इज यूज फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। ठीक है, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो इसकी साइटेड है, यानी लिटरेचर में रिपोर्टेड है, स्पेशली इन लॉन्ग टर्म यूज एंड इन हाई डोजेस। फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग वेंकोमाइसिन एज ए कंटिन्यूस इन्फ्यूजन हैज बीन एग्जामिन्ड रिसेंटली इन ए वेराइटी ऑफ सेटिंग। तो इसकी जो आई वी इन्फ्यूजन जो है उसको एग्जामिन किया गया इंटेंसिव केयर यूनिट में एंड आउट पेशेंट पैरेंट्रल थेरेपी में, और फिर इसका एक ये ग्राफ डेवलप किया गया। स्टेडी स्टेट वेंकोमाइसिन कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर 0 से लेके 80 तक, और यहाँ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि जीरो पे कंसंट्रेशन पे जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 1 मींस 100% नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इसको कम से कम इसकी स्टडी स्टेट पे जितना रखेंगे वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी उतनी ही कम होगी। इसी वजह से यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द क्लिनिकल सेटिंग, कि जो भी हो आईसीयू हो पैरेंट्रो आउट पेशेंट हो, द लाइकलीहुड, वैसे तो ये आमतौर पर इन पेशेंट में ही दी जाती है, द लाइकलीहुड ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी वॉज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली हायर इफ द स्टडी स्टेट वेंकोमाइसिन वर ग्रेटर देन 25 to 32 माइक्रोग्राम पर एमएल। तो ये देखा गया है कि एकदम जो है वो 32 के बाद एकदम सिग्निफिकेंट इंक्रीज है यहाँ पर, कि यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ लगी है फिर एकदम ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। नेफ्रोटॉक्सिसिटी 32 के माइक्रोग्राम पर एमएल के बाद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई अनलेस देयर इज़ ए कंपेलिंग क्लिनिकल रीजन टू डू अदरवाइज इट वुड बी प्रूडेंट टू एडजस्ट द डोजिंग एंड मेंटेन सीरम वेंकोमाइसिन कंसंट्रेशन बिलो 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। लिहाजा वो रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई कंपेलिंग रीज़न ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, अगर कोई ऐसी रीज़न ना हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर कोशिश की जाए कि वेंकोमाइसिन की कंसंट्रेशन मैनेज की जाए और मेंटेन की जाए स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बिलो 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। हाँ, अगर कोई
कंपेलिंग रीजन है कि पेशेंट जो है वो अगर एंटीबायोटिक की आपने हाई डोज मेंटेन नहीं की तो वो इन्फेक्शन से मर जाएगा, फिर एक अलग रीजन है, फिर आप जो है वो 25 से ऊपर जा सकते हैं, वरना अदरवाइज इट इज बेटर एंड रिकमेंडेड कि जो है वो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है दैट शुड बी बिलो 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। तो ये जो है हमारे पास रिकमेंडेशन है। तो ये दो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर की, एक डिजॉक्सिन की और दूसरी वैनकोमाइसिन की। नाउ डिज़ाइन ऑफ डोजेज रेजिमेंट, इसमें बहुत सारी बातें वही आएंगी जो हम ऑलरेडी अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें एक तरह से ये रिविजन भी हमारा साथ साथ हो रहा है। सेवरल मैथड्स मे बी यूज टू डिज़ाइन ए डोजेज रेजिमेंट। जनरली द इनिशियल डोजेज ऑफ द ड्रग इज एस्टिमेटेड यूजिंग एवरेज पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर obtained from the literature and modified according to the patient's known diagnosis, pathophysiology, demographics, allergy and any other known factor that might affect the patient's response to the dosage regimen. के बहुत सारे dosage regimen calculate करने के determine करने के method हैं, लेकिन initially आप क्या करते हैं कि जो population pharmacokinetic का parameter literature से मिल रहा है और डायग्नोसिस की बेस पे, पैथोफिजियोलॉजी के बेस पे, पेशेंट डेमोग्राफी के बेस पे, उसकी एलर्जी कंडीशन के बेस पे या और कोई नॉन फैक्टर है लाइक लिवर फंक्शन है वो है, उसकी बेस पर हम इनिशियल डोज उस पेशेंट की स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स देखते हैं और उसके बाद फिर जब रिस्पॉन्स की बेस पर हम में जब भी मॉडिफिकेशन करनी होती है फिर हम उसको मॉडिफाई जो डोजेज रेजिमेन है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। So, after initiation of drug therapy, the patient is then monitored for the therapeutic response by clinical and physical assessment. दोनों तरीके से, क्लिनिकली भी कैसा है, फिजिकली भी पेशेंट कैसा है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंडीशन और वर्स हो रही है या डिटेरियोरेट हो रही है या टॉक्सिसिटी आ रही है। सो आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट, एडजस्टमेंट ऑफ द डोजेज रेजिमेन मे बी नीडेड। फिर अगर ये देखना पड़ेगा कि क्या करना है, डोज बढ़ानी है या कम करनी है, वो डोजेज रेजिमेन को एडजस्ट किया जाएगा। इफ नेसेसरी मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन द पेशेंट्स इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम विच द डेटा आर यूज्ड टू मॉडिफाई द डोजेज रेजिमेन। अच्छा, इसके अलावा आप प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं कि अगर ज़रूरी है। क्यों चेक करेंगे? ताकि आप ये चेक करेंगे कि इस इंडिविजुअल पेशेंट की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इस पेशेंट में क्लियरेंस ऑफ द ड्रग कैसी है, हाफ लाइफ क्या है, ताकि उसकी बेस पर आप ये डिटरमिन कर सकें कि अगर इस पेशेंट की जो फार्माकोकाइनेटिक है वो एवरेज पॉपुलेशन की काइनेटिक से डिफरेंट है तो फिर इसका डोजेज रेजिमेन अप्रोप्रिएटली क्या होना चाहिए और हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। That is why it is required for TDM in patient, यानी therapeutic drug monitoring के patient में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर की next point is that various clinical pharmacokinetics software programs are available for dosage regimen calculations. बहुत सारे computer programs available हैं जिसमें Kinetica है, statistical software for pharmacokinetics है और इसके अलावा Kinetica के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इस बुक के एंड में अपेंडिक्स में आपको मिल सकते हैं। अच्छा, द डोजिंग स्ट्रेटजीज आर बेस्ड जर्नली ऑन फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशंस दैट वर प्रीवियसली परफॉर्म्ड मैनुअली। तो इनमें ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें वो फार्मूले और कैलकुलेशंस का डेटा मौजूद है जिसमें आप सिर्फ मेन रिजल्ट्स डालेंगे यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंटर करेंगे कंप्यूटर में और वो पूरा काइनेटिक डेटा उस पेशेंट का कैलकुलेट करके दे देगा। कंप्यूटर ऑटोमेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन एंड मेक द कैलकुलेशन ईजियर एंड हैव एन एडिड एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डेफिनेटली आपको पता है कि कंप्यूटर के ये फ़वाद हैं, ऑटोमेटिक इसमें पैकेज या सॉफ्टवेयर का ये बेनिफिट होता है कि एक तो उससे वो कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी आ जाती हैं और प्रोसेस पूरा ईजी हो जाता है और एफिशिएंट भी हो जाता है, यानी ये काम जल्दी भी हो जाता है। दूसरा ये कि आप इसको जो है वो जो भी आपने कैलकुलेशन किए हैं उसको जो है आप कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेके फाइल में पेशेंट के उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, यानी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपके पास जो है वो टूल के तौर पर ये मौजूद होगा। वैसे भी जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो आपके पास मैनुअल कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता क्योंकि आपने क्विक डिसीजन लेने,
क्योंकि ये जो TDM का काम होता है ये आप ICU में करते हैं। अगर आप ICU में मैनुअल कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब तक आप डोज सही कैलकुलेट करके लेकर आए जब तक पेशेंट एक्सपायर हो गया। इस वजह से आपको क्विक डिसीजन लेना है, क्विक कैलकुलेशन करनी है, एफिशिएंट रिस्पॉन्स देना है, इसलिए वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादा बेहतर होता है। हाउएवर यूज़ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शुड नॉट बी रिप्लेस गुड क्लिनिकल जजमेंट। तमाम बातें अपनी जगह, तमाम फैक्टर्स एंड कैलकुलेशंस एंड सीरम कंसंट्रेशन अपनी जगह, ये सब की ठीक है, वैल्यू है, एक अपनी वर्थ है, इससे किसी को इनकार नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पॉइंट क्या है कि क्लिनिकल आउटकम क्या है, यानी पेशेंट में ड्रग का रिस्पॉन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट में ड्रग की कंसंट्रेशन हाई आ रही है बट पेशेंट में कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं हो रही और पेशेंट इज फुली स्टेबल फ्रॉम द डिजीज, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इट मीन्स कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बहरहाल या पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी कैलकुलेशन आपको जो आती है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लिनिकल जजमेंट बहरहाल उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन इवन बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, बट उस कंसंट्रेशन पे वो पेशेंट जो है वो फुली रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको वो क्लिनिकल आउटकम जो है मिल रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम कंसंट्रेशन को मज़ीद इंक्रीज़ करें, क्योंकि हमारा जो क्लिनिकल आउटकम है वो उस सूरत में अचीव हो रहा है। एनीवे द पैकेज इंसर्ट इज़ यूजफुल सोर्स फॉर डोज रेजिमेंट, ठीक है, जो उसमें जो लीफलेट होता है उसमें जो है वो डोज इंफॉर्मेशन या डोज की रेजिमेन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। द सेक्शन यूज इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट मे अप्लाई टू इंडिविजुअल पेशेंट्स। बार दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन पेशेंट के हवाले से भी डोज और डोजिंग रिकमेंडेशन और उसके डोजिंग इंटरवल की रिकमेंडेशन होती है कि जैसे प्रेगनेंसी में क्या करना है, डोज कम करनी है, उतनी ही देनी है या बढ़ानी है, या डोजिंग इंटरवल बढ़ाना है, लेबर एंड डिलीवरी के दौरान क्या करना है, नर्सिंग मदर यानी जो फीड करा रही है मदर उनको क्या करना है, पीडियाट्रिक अगर बच्चों को देनी है तो क्या किस तरह से होना चाहिए, जीरियाट्रिक में यानी ओल्ड एज वाले जो अबव 65 ईयर्स वाले होते हैं उनमें क्या डोज होनी चाहिए, क्योंकि जीरियाट्रिक एज आफ्टर 65 ईयर्स अबव 65 ईयर्स वालों को कहते हैं, हेपेटिक इम्पेयरमेंट में क्या करना है, माइल्ड हो तो क्या करना है, मॉडरेट हो तो क्या करना है और सीवियर हो तो क्या करना है, इसी तरीके से रीनल इम्पेयरमेंट में क्या करना है, माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर में, और जेंडर इफेक्ट है यानी अगर मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस है तो उसको भी जो है वहाँ पर नोट किया जा सकता है और उसको जो है वो फिर उस रिकमेंडेशन के हिसाब से ड्रग को रिकमेंड किया जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअलाइज डोजेज रेजिमेंट यानी किसी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज डोजेज रेजिमेंट जो होगा, द मोस्ट एक्यूरेट अप्रोच टू डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन इज़ टू कैलकुलेट द डोज बेस्ड ऑन द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग इन द इंडिविजुअल पेशेंट्स। जो आपने प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट किए उस पेशेंट के और उससे जो डेटा कलेक्ट किया है उससे उस पेशेंट की फार्माकोकाइनेटिक्स यानी हाफ लाइफ क्लियरेंस और ये सारा डेटा आपके पास आ गया है। इसको निकालने के बाद फिर आप उस पेशेंट की एक्यूरेट डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। This approach is not feasible for calculation of the initial dose. Initial dose तो बहरहाल आपने वही देनी है जो कि manufacturer ने package insert में या average population के लिए दी है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, However, once the patient has been medicated, यानी एक दफ़ा जब वो medicated हो गया, the readjustment of dose may be calculated using the pharmacokinetic parameter derived from the measurement of serum drug level from the patients after the initial dose. इनिशियल डोज देने के बाद बहरहाल जो भी आपके पास डेटा आया है प्लाज्मा कंसंट्रेशन की वैल्यू से उसके बाद आप डोज की रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, डोज और डोजिंग इंटरवल दोनों की। तो ये जो है बेसिकली है आपके पास जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड डोजेज रेजिमेन का तरीका। नाउ डोजेज रेजिमेन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एवरेजेस, इसमें क्या है, द मेथड मोस्ट ऑफन यूज to calculate a dosage regimen is based on average pharmacokinetic parameters obtained from clinical studies published in the drug literature.
कि जो क्लिनिकल स्टडीज़ में जो डेटा और पॉपुलेशन यूज़ की गई थी उसका जो डेटा है, तो वो डेटा है डोजेज कैलकुलेशन का. इसमें द मेथड मे बी यूज ऑन ए फिक्स्ड और एडेप्टिव मॉडल. आपके पास दो मॉडल हैं डोजेज रेजिमेन एवरेज पॉपुलेशन के बेस पे कैलकुलेट करने के, डोजेज रेजिमेन कैलकुलेट करने के. एक फिक्स मॉडल कहलाता है और दूसरा एडेप्टिव मॉडल कहलाता है. अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. फिक्स मॉडल हमें क्या बता रहा है? फिक्स मॉडल हमें ये कह रहा है, ये अज्यूम कर रहा है दैट द पॉपुलेशन एवरेज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स मे बी यूज डायरेक्टली टू कैलकुलेट ए डोजेज रेजिमेन फॉर द पेशेंट विदाउट एनी ऑल्टरेशन. कि जो फिक्स मॉडल हमें ये कह रहा है कि पॉपुलेशन की जो एवरेज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो हमारे पास है उसकी बेस पर डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाए उस इंडिविजुअल पेशेंट का डोजेज रेजिमेन. यूजुअली फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर सच एज एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट यानी के ए, बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर एफ, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी डी एंड एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट के आर अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये कौन है? मोस्ट ऑफ इन द ड्रग इज assume to follow the pharmacokinetic of one compartment model. आम तौर पर वो ड्रग जो है कौन सी होंगी जो कि वन कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करती है. लेकिन अगर मैंने मल्टीपल डोजेज रेजिमेन इज डिजाइन, यानी आपने मल्टीपल डोजेज देनी है, एक से ज्यादा डोजेज देनी है, तो मल्टीपल डोजेज इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आर यूज टू इवेल्युएट द डोज. अब सवाल ये पैदा होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है? ये मल्टी डोजिंग काइनेटिक के चैप्टर में मौजूद है. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो आपने जब डोजेस दे रहे हैं पेशेंट को, मल्टीपल डोजेस, अब वो हर 6 घंटे से दे रहे हैं, 8 घंटे से दे रहे हैं, 12 घंटे से दे रहे हैं, या वंस डेली दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आप सब्सिक्वेंट डोजेस देंगे, यानी आपने डोज वन दी, अब सब्सिक्वेंट डोज टू होगी, तो डोज वन का इफेक्ट डोज टू पर ऐड होकर नहीं आएगा. डोज वन का इफेक्ट डोज टू पर ऐड अप होके नहीं आएगा. डोज वन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और डोज टू का इफेक्ट शुरू हो जाएगा. जब डोज टू का इफेक्ट खत्म हो रहा होगा तो आप डोज थ्री देंगे, और डोज थ्री का टू का इफेक्ट एड अप नहीं होगा डोज थ्री में. ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो इसको जो है अप्लाई करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ, यानी ये प्रिंसिपल वॉयलेट होगा कब? अगर ड्रग एक्यूमुलेशन शुरू हो गई सब्सिक्वेंट डोजेज में, तो इसका मतलब है पिछली डोज जो है वो जमा हो रही है बॉडी में और आप अगली डोज दे रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है. तो फिर उसमें आपने उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. The practitioner may use the usual dosage suggested by the literature and then make a small adjustment of the dosage based on the patient weight and or age. उसके बाद फिर practitioner देखेगा अगर ये principle of superposition जो है fail हो रहा है तो फिर क्या किया जाए, usual dosage क्या है literature में है और क्या adjustment करने की ज़रूरत है dosage में based upon the weight and age और regimen यानी time interval में भी. ये तो था फिक्स मॉडल. एडेप्टिव मॉडल नेक्स्ट है, वो क्या है? एडेप्टिव मॉडल फॉर द डोजेज रेजिमेन कैलकुलेशन यूजेस पेशेंट्स वेरिएबल सच एज वेट, एज, सेक्स, बॉडी सरफेस एरिया एंड नोन पेशेंट पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी सच एज रीनल डिजीज एज वेल एज द नोन पॉपुलेशन एवरेज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ द ड्रग. तो एडेप्टिव मॉडल में आप देखते हैं पेशेंट के वेरिएबल को कंसिडर करके डोज कैलकुलेट करते हैं कि उसका वेट क्या है, एज, सेक्स की बेस पे, बॉडी सरफेस एरिया की बेस पे, या और कोई पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है लाइक किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, तो उसमें एक एवरेज पॉपुलेशन में क्या होगा और उसमें क्या होगा. इन दिस केस कैलकुलेशन ऑफ द डोजेज रेजिमेन टेक्स इनटू कंसीडरेशन एनी चेंजिंग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पेशेंट एंड अटेम्प्ट्स टू अडेप्ट और मॉडिफाई द डोजेज रेजिमेन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट. तो इसमें क्या होगा कि आपने पेशेंट की जो ये वाले पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल हैं, इनमें अगर कोई चेंज है तो उसकी बेस पर आप उसका पेशेंट का डोजेज रेजिमेन कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और रीएडजस्ट करेंगे डोजेज रेजिमेन. अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास डोजेज रेजिमेन बेस्ड ऑन पार्शल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर. Because many drugs, the entire pharmacokinetic profile of the drug is unknown or unavailable. कुछ drugs ऐसी होती हैं जिनका complete pharmacokinetic profile हमें नहीं मालूम होता. अब उसमें क्या करें? The pharmacokinetist needs to make some assumptions.
in order to calculate the dosage regimen in the absence of pharmacokinetic data in animals or humans. अब उसमें क्या करना होगा कि फार्माकोकाइनेटिक को कुछ assumptions लेनी पड़ेंगी. ये assumptions जो होंगी वो उसकी उसकी कुछ मैथमेटिकल बेसिस होनी चाहिए. assumptions का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हवा में तीर चलाना है, बल्कि इसकी कुछ मैथमेटिकल बेसिस होनी चाहिए इन assumptions को के लिए. और इसके अलावा जो भी डेटा है उसको आप जो है वो उसकी बेस पे कैलकुलेट. फॉर एग्जांपल, एक कॉमन अजम्पशन इज टू लेट द बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर एफ इक्वल 1 or 100%. दस इफ द ड्रग इज लेस देन फुली एब्जॉर्ब सिस्टमिकली द पेशेंट विल बी अंडर मेडिकेटेड रादर देन ओवर मेडिकेटेड. यानी अगर हम जस्ट सिर्फ प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी एफ की वैल्यू बायोअवेलेबिलिटी को यहाँ पे कंसिडर करें, तो बायोअवेलेबिलिटी को अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इट मीन्स 100% ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होगी, यानी ड्रग 100% बायोअवेलेबल होगी यानी मेडिकेटेड होगा पेशेंट. और अगर वो लेस देन 100% है तो इसका मतलब है पेशेंट अंडर मेडिकेटेड हो रहा है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कम हो रही है. और 100% अगर कोई पिछली ड्रग जो इसका सॉल्ट था वो 80% था और ये नया सॉल्ट आया है 100% है, तो ये ओवर मेडिकेशन भी कॉज कर सकता है. अब ये एजम्पशन हम उस बेस पे लेंगे जब हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का. तो ये जो तुम्हारे पास एक तरीक़ेकार होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन. इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच है, दैट इज नोमोग्राम बेस अप्रोच, नोमोग्राम्स एंड टेबुलेशन इन द डोजेज रेजिमेन. इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.